Students, how are you? I'm your English grammar teacher for classes 3 and 4. I'm teaching you these days essay writing. Topics पे कैसे लिखा जाता है? 10 to 12 lines आपको लिखना आना चाहिए. कोई भी टॉपिक मिले तो आप कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना आना चाहिए. तो ये हम आजकल करा रहे हैं आपको. कल हम लोगों ने माई फैमिली माई कंट्री पे लिखा था. आज जो है हम आपको स्कूल गार्डन पे और माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखना बताएंगे. ठीक है. गार्डन किसको कहते हैं? हाँ, गार्डन मतलब बगीचा. बगीचे में क्या क्या आपको देखने को मिलता है? प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, क्यारियाँ होती हैं, फूल, छोटे छोटे फूल और बड़े फूल हैं. झाड़ियों में भी लगते हैं फूल, ये सब होते हैं. और बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं किनारे किनारे. गार्डन में लोग शाम को घूमने भी जाते हैं. वैसे अलग अलग गार्डन होते हैं. जैसे बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं पब्लिक के लिए भी, देखने के लिए भी होते हैं. और अब लोगों के घरों में जब जगह होती है, आंगन होता है, तो लोग अपने घरों में भी गार्डन बनाते हैं. किचन गार्डन भी होता है, फूलों का गार्डन भी होता है, और स्कूल गार्डन भी होता है. जैसे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं तो वो जगह को सुंदर दिखाने के लिए, प्लेग्राउंड तो होता ही है, पर गार्डन भी मेंटेन किया जाता है. जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं, क्यारियाँ होती हैं, तो जगह सुंदर लगने लगती है और बच्चे भी उसमें एंजॉय करते हैं. खेलने के टाइम भी जा सकते हैं और नेचर के बारे में, वातावरण, नेचर मतलब एनवायरनमेंट मतलब नेचर के बारे में जानते हैं, सीखते हैं. पेड़ों का महत्व सीखते हैं. हरियाली जो है आँखों के लिए अच्छी होती है. तो इसीलिए स्कूल का गार्डन मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को कुछ सीखने को भी मिले और उसकी अहमियत को समझें, उसकी इम्पोर्टेंस को. ठीक है. तो आज हम अपने आपके बारे में जानना चाह रहे हैं स्कूल गार्डन के बारे में. ठीक है. अब स्कूल गार्डन था. स्कूल गार्डन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस. सबसे ज़्यादा बच्चों की प्लेस फेवरेट होती है ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है गार्डन में घूमने में और देखने में. अ स्कूल गार्डन लेट्स द स्टूडेंट लर्न एंड एडमायर नेचर एंड एनवायरनमेंट. तो स्कूल गार्डन क्या होता है? बच्चों को नेचर और एनवायरनमेंट के बारे में देखना, एडमायर करना मतलब देखना और समझना, उनके बारे में समझने की हैबिट को डालता है. जहाँ कि उसको गार्डन में बच्चों को फ्लावर्स, प्लांट्स, कलरफुल बर्ड्स, चिड़ियाँ भी आती हैं ना. जहाँ पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ चिड़ियाँ भी आती हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, तो ये सब बच्चे इन्जॉय करते हैं. तो आई स्टडी इन नवज्योति ग्लोबल स्कूल. जैसे आप लिख रहे हो, आप लिखोगे अपने स्कूल गार्डन के बारे में, आई स्टडी इन नवज्योति ग्लोबल स्कूल. अब यहाँ तो नवज्योति ग्लोबल स्कूल लिख दिया है, या आप कोई दूसरा बच्चा जैसे दूसरे स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने स्कूल का नाम लिखेगा. वी हैव अ ह्यूज गार्डन इन आर स्कूल. अब आप लिखोगे कि आपके स्कूल में एक बड़ा सा, ह्यूज मतलब बड़ा सा गार्डन है. It has dedicated gardeners who regularly water the plants. Dedicated gardeners, gardeners मतलब माली. हमारे स्कूल में पंक्चुअल माली हैं. Dedicated मतलब hard working gardeners हैं जो regularly मतलब रोज़ पेड़ पौधों में पानी डालते हैं. The garden has many types of flowers such as roses, sunflower, daisy, marigolds and many other plants. गार्डन में तरह तरह के फूल हैं, जैसे रोज़ है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, और भी कल तरह तरह के प्लांट्स हैं. छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स और बड़ी बड़ी ट्रीज भी हैं, जैसे अशोका ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री. बनियन ट्री कौन सी होती? बरगद. नीम आपको पता है. एंड पीपल ट्री. पीपल मतलब बरगद का, बनियन बरगद का पेड़ है और पीपल ट्री. There are mango tree also. फलों के पेड़ भी हैं, जैसे mango, guava and pomegranate trees.
पोमेग्रेनेट मतलब अनार. वी लव आवर स्कूल गार्डन वेरी मच. तो ये छोटा सा गार्डन के ऊपर टॉपिक है, उस पर लाइन्स थी. वी लव आवर गार्डन, स्कूल गार्डन वेरी मच. अब आपको सेकेंड टॉपिक हम बता रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड. माई बेस्ट फ्रेंड, आप सबके पास फ्रेंड्स होते हैं ना, आपके पास भी फ्रेंड होगा अपने स्कूल में. फ्रेंड इज़ द मोस्ट स्पेशल ट्रेजर इन आवर लाइफ्स. बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, गिफ्ट होता है. ट्रेजर मतलब एक तरह से गिफ्ट होता है हमारे लाइफ में. अब डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है. वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड सिंस आर प्री स्कूल डेज. मतलब अब आपका जो भी दोस्त हो वो आपके छोटे क्लास से आपका दोस्त है. ही और शी स्टडीज़ इन माई क्लास. अब अगर आपका लड़का दोस्त है तो अब ही लिखिए, लड़की दोस्त है तो लड़की शी लिखिए, फिर लड़की है तो लड़की का नाम लिखिएगा वहाँ. इन माई क्लास एंड सिट ऑन द सेम बेंच. वो मेरे साथ स्टडी करती है और सेम बेंच पे बैठती है. ही शी इज़ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास टीचर. वो जो है मेरे टीचर की भी फेवरेट है. ही इज़ गुड इन स्टडीज. ही शी इज़ वेल मैनर्ड एंड रिस्पेक्ट टीचर्स. वो वेल बिहेव है, अच्छे नेचर का है और सबको हेल्प भी करता है. जो उसके अदर दूसरे फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई उससे अगर हेल्प मांगता है तो वो हेल्प भी करता है. आई गो टू हिज हाउस टू प्ले एंड स्टडी टुगेदर. मैं उसके मेरे घर के पास रहता है, हम उसके घर जाते हैं खेलने के लिए और साथ में हम लोग स्टडी भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं. वी वॉच टीवी एंड प्ले वीडियो गेम्स टुगेदर. शाम के टाइम पढ़ने के बाद हम उसके साथ टीवी भी देखते हैं, कार्टून वगैरह, और वीडियो गेम्स भी खेलते हैं. ही हेल्प्स हिज अदर फ्रेंड्स ऑल्सो इन देयर स्टडीज एंड नेवर फाइट्स विद एनीवन. वो अपने दूसरे दोस्तों को भी हेल्प करता है और कभी भी लड़ता नहीं. नेवर फाइट्स मतलब कभी किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं है, प्यार से रहता है. आई लव माई फ्रेंड वेरी मच. आपको ये समझ में आ गया फ्रेंड्स के ऊपर कैसे लिखते हैं? उसके आप और भी कुछ लिख सकते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है और क्या बनना चाहता है, ये आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक करे, माई स्कूल गार्डन और माई बेस्ट फ्रेंड. और आपको लिखना है, ये होमवर्क के लिए मिलेगा और याद करना है.